वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल इंजीनियर। आज का हमारा विजिट है प्राचीन भारत के आध्यात्मिकता का पहचान हिंदू मंदिर, जिसको ये आप देख रहे हैं कि एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड मंदिर है। ये अभी बन रहा है, अभी अभी इसकी छत डली हुई है, और आज हम इसके रूफ सिस्टम को हम आपको बताएंगे कि ये यहाँ से सीढ़ी है ऊपर जाने की। हम कोशिश करेंगे कि पहले नीचे का एरिया दिखा दें, क्योंकि आज का रूफ़ का प्लान हमें दिखाना ज़रूरी भी है। और ये देखिए कि ये बल्लियाँ लगी हुई हैं। ये थोड़ा सा हम आपको जूम करके देखें, या फिर आपको खुद ही दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे ये वो वाली टेक्नोलॉजी से छत बनाया गया है, जहाँ पे आज भी पट्टियों का इस्तेमाल होता है। और आप देखेंगे कि इसको बनाने का बड़ा ही सुंदर सा सिस्टम है। आप देखेंगे कि ये मंदिर का छत डला हुआ है अभी अभी, और ये हमारी आस्था का केंद्र, हमारी हवन की वेदी है, जिसे हम लोग वेदी कहते हैं। आप ये देखेंगे कि ये चीज़ बन रही है, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल पिलर पर इस बीम को सहारा दिया गया है, और इसके अंदर एक है हिडन कॉलम है, बाद में इसको हटा करके उस कॉलम को निकाल दिया जाएगा, लेकिन अभी इसकी आवश्यकता के अनुसार इसमें इस चीज़ों को प्रावधान किया गया है। आप देख रहे हैं कि बाहर इनकी ब्रिक वर्क्स में ये डिज़ाइनिंग भी है, और ये चीज़ है कि इसका आधा हिस्सा पहले बन चुका था और इसका आधा बचा हुआ हिस्सा ये बना, ये हनुमान जी का मंदिर है। और आप देखेंगे कि इस चीज़ को भाई ऐसे, हमने तो हमेशा ऐसे ही स्लैब्स देखे हैं जिनको डायरेक्ट सेंटरिंग लगा करके इसमें डाल दिया जाता है, लेकिन ये क्या चीज़ है? क्या पट्टियों में भी वैसा ही होता है? तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि ऐसा नहीं होता है, जबकि इस चीज़ में एक मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है। अब वो मैकेनिज्म क्या होता है, आज हम उसी की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि यदि हम इसको जूम करें तो वैसे तो इसमें कुछ दिखाई नहीं देता है ज़्यादा बाकी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर कैसे क्या हुआ आता है। पहले इसमें पट्टियों को बिछाया जाता है, पट्टियों को बिछाने के नीचे गाटर लगाए, उसके ऊपर पट्टी बिछाए, उसके ऊपर काली मिट्टी, लाल मिट्टी की पूरी परत होती है, पूरा एक मैकेनिज्म सेट किया जाता है, उसके ऊपर कच्चा सीमेंट का एक घोल के साथ में उसका लेपन किया जाता है। और हम नेक्स्ट फील्ड को भी दिखाते चलें, ये प्राचीन मंदिर की एक प्रतिमा है, और आप देखेंगे कि उसके बाद में क्या होगा। नेक्स्ट टू द पॉइंट, हम देखेंगे कि एक चीज़ है, जब लाल मिट्टी का एक पूरा लेपन हो जाता है, उसकी एक 100 mm की लेयर इसमें पूरी में बिछा दी जाती है, और उसके बाद में उस पर कच्चे सीमेंट का भी एक लेपन हो जाता है, और उसके बाद क्या करते हैं, पक्का सीमेंट करते हैं और उसके ऊपर गोबर का लेपन करते हैं। इसके बाद में जो सरफेस निकलती है वो एकदम से फिनिश सरफेस निकलती है, वैसी ही सरफेस जैसा कि हमारे आजकल के मॉडर्न शहरों में, मॉडर्न इंडियन शहरों में भी होता है। और ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसका यहाँ पर ये लोग इस्तेमाल करते हैं। खैर, इन लोगों में अभी डिप्लोमेंट तो है, लेकिन जैसे सेंटरिंग नॉर्मली कॉन्ट्रेक्टर ही होता है जो छत डालता है, यदि उसके पास में प्लाई की सेंटरिंग नहीं होती तो यहाँ पे पट्टी ये इजीली अवेलेबल हैं, तो ये लो कॉस्ट मटेरियल है जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसलिए यहाँ के लोग इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे कि ये बहुत ही सुंदर मैकेनिज्म है जो यहाँ के ठेकेदार ने निर्मित किया है, और ये बहुत ही अद्भुत कंस्ट्रक्शन, ये सेंटरिंग है। सेंटरिंग सेटरिंग के नॉर्मल चीज़ें तो आप जानती हैं। खैर, यहाँ पे ब्रिकवर्क का भी एक सुंदर सा रूप दिखाई दे रहा है, तो हम आपको जैसे ब्रिकवर्क में हम आपको बताएं कि ब्रिकवर्क एक बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है। इसमें बॉन्ड्स होते हैं, और इसमें फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड। हम कोशिश करेंगे कि जब भी हमारी किसी साइट पर एक कोई अच्छा सा कोई बॉल का निर्माण हो रहा होगा तो उसमें हम बहुत ही अच्छे से बताएंगे। खैर, अभी आपको देख लें कि ऐसा कुछ होता है, और जैसे कि ये आज हम एक मंदिर का विज़िट किया है तो हम उस मंदिर की भी आस्था का केंद्र है, तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके मंदिर की सबसे खूबसूरत प्रतिमा के दर्शन आपको कराएंगे। और ये है, हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए हैं, इसका आधा मंदिर हमने विज़िट कर लिया है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, और दूसरा विज़िट है एक आस्था का केंद्र, भारतीय आस्था का केंद्र, और आप दर्शन करेंगे। बोलिए जय माता दी। और इसी के साथ में आपने, ये एक आस्था के केंद्र है, चलिए एक परिक्रमा दे देते हैं इसी के साथ में, क्योंकि भारतीय आस्था का केंद्र रही हमेशा ये चीज़ें। और हम इसके चारों तरफ, अब देखिए कि एक
क्रॉप लगी हुई है, फसल का निर्माण है और बहुत ही सुंदर रेड कोटा इसमें लगाया गया है नीचे, और एक ये बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन, बहुत ही कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है, इतने अच्छे पिलर्स। हम आशा करते हैं कि ये हर सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स की तरह इसका भी बहुत ही अच्छे से सुंदरता से निर्माण हो। हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर वाले भाग का भी हम आप लोगों को दिखाएं। तो बेटा मिनट, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में आ चुके हैं। ये मंदिर का शिखर, जो प्राचीन भारतीय की हमेशा से पहचान रही है कि एक मंदिर के ऊपर एक शिखर बनाया जाता है, इसकी कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही अद्भुत होती है और आप देखेंगे कि इसको कितने ही आसानी से नहीं बनाया जा सकता। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इंडियन स्ट्रक्चर है। ये देखिए छोटी छोटी सी, ये हमेशा से भारतीय सभ्यता की पहचान और ये कलशों का निर्माण। और आप हम देख रहे हैं कि जिस छत का हमने नीचे से विज़िट किया था उसका हम ऊपर से विज़िट कर रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि क्यूरिंग चल रही है। ये जो क्लॉथ दिखाई दे रहे हैं, ये हसन बैग होते हैं इनके, और पूरे छत को क्यारियों में ना बिल्कुल तालाब बना दिया गया है। और खैर यही है पॉन्ड क्यूरिंग, क्यूरिंग का एक प्रकार जिसमें पूरे छत को एक पानी की तरफ से भर दिया जाता है। और आप इस तरफ से देखिए कि ये इसका भी एक शिखर का निर्माण करने के लिए पिलर्स निकाल दिए गए हैं। और ये छत वैसे ही होता है, जब इसके नीचे की सरफेस निकलेगी तो बिल्कुल वैसे ही क्लीन सरफेस निकलती है और लगभग उससे भी ज़्यादा फिनिशिंग होती है, क्योंकि इसमें 3-4 लेयर में कंस्ट्रक्शन की एक परत बनाई जाती है और सीमेंट्स को उसको निकाल दिया जाता है। ये आप मंदिर का एक ऊपर का ऊपरी हिस्सा है, और इसी बहाने हमने आपको पॉन्डिंग क्यूरिंग का एक जो हिस्सा है उसका भी आपको विजिट करा दिया है। आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा छत पानी की तरह भरा हुआ है और हसन बैग्स भी रखे हैं ताकि इसकी क्यूरिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। आस्था के साथ में अपने कामों का विशेष रूप से एक हमारा तो कंस्ट्रक्शन का काम है, हम लोग सिविल इंजीनियर्स हैं, तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि इसी तरह से हमने आज का ये विजिट कंप्लीट किया। और हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई चीज़ जो हमने आपको बताने में हमसे छूट गई हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसके लिए भी आपको एक्सप्लेनेशन देंगे उससे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। यहाँ पे एक जॉइंट्स बनाया गया है, कह रही है क्लॉथ से ये अंडरग्राउंड है, बट ये कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स है जो बीम के बीच में हमेशा से देते हैं, और इस चीज़ को भी हम कवर कर रहे हैं। और आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।